हेलो फ्रेंड्स, खाओ पियो की आज की वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं सूजी के अप्पे। ये एक बहुत अच्छा स्नैक्स है जिसे आप बच्चे को दे सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, या फिर आप बच्चे को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप उसके सामने भी सर्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें एक कटोरी सूजी, आधा कटोरी मटर, मैंने मटर फ्रिज ली है, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, एक प्याज, आधा कटोरी दही, आधा गिलास पानी, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं, बेकिंग सोडा। इसके लिए हमें रिफाइंड ऑयल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक कटोरा लेते हैं, उसमें अपनी सूजी डाल लेते हैं। अब हम इसमें अपनी मटर ऐड कर लेते हैं। जो हमने आधा कटोरी दही ली थी, अब वो भी डाल लेते हैं। हमने अपनी प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, अब हम वो मिक्स कर रहे हैं इसमें। जो आधा गिलास हमने पानी लिया था, हम वो भी ऐड कर लेते हैं इसमें। अब हम इसमें मिर्च डालते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, नमक स्वाद अनुसार, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है जिससे ये सारी चीजें आपस में मिल जाएं। नमक, जो हमने मिर्च डाली है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए, हमें ऐसा पेस्ट चाहिए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। दस मिनट हमारे हो चुके हैं, अब इसे हम खोल कर देखते हैं। देखिए, हमारा पेस्ट बहुत अच्छा बन चुका है। एक बार हम इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं, पेस्ट हमारा बहुत अच्छा बना है। अब जो हमने बेकिंग सोडा लिया था, उसे इसमें ऐड करते हैं, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे आप अच्छी तरह से चलाइए जिससे ये बेकिंग सोडा सारे उसमें हो जाए। बेकिंग सोडा से क्या होगा, हमारे अप्पे फूलने शुरू हो जाएंगे। अब हम अपना अप्पे का स्टैंड लेते हैं, उसमें ये जो हमने रिफाइंड ऑयल लिया था, थोड़ा थोड़ा सारे ये जो इसके खाने हैं उसमें हम डाल देते हैं। गैस हमारी मीडियम लो है। अब हम इसमें अपना अप्पे का बैटर डालते हैं। हमने इसको पूरी तरह से भरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाली छोड़ना है, क्योंकि इसमें जो हमने सोडा डाला था, उस सोडा से ये फूलते हैं। देखिए, इसके लिए हम अपनी गैस मीडियम टू लो रखनी है। हमारा अप्पे का बैटर सारे उसमें डल चुका है, अब हम इसे ढक देते हैं और अब हम इसे 2 से 2.5 मिनट तक पकाते हैं। ढाई मिनट हो चुके हैं, हम इसे पलट कर देखते हैं। देखिए, ये ब्राउन शेड आ चुकी है। एक एक करके हम सबको पलट देते हैं ताकि नीचे से भी अच्छी तरह से ये पक जाएं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, मटर एकदम पकी हुई लग रही है। हमने सारे पलट दिए हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा तेल इसमें और डाल देते हैं ताकि नीचे का हिस्सा भी अच्छी तरह से पक जाए। अब ठीक ऐसे ही हम दोबारा इसे ढककर 2 से 2.5 मिनट के लिए पका लेते हैं। दूसरी तरफ से भी 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे खोल कर देखते हैं।
देखिए इसको मैं पलट कर देखती हूँ, बहुत अच्छा पका है, सारे हमारे ठीक से पक चुके हैं। एक बात मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगी कि जो मैंने इसमें सब्जियां डाली हैं, आप इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं अपनी मनपसंद की। मैंने ये डाली है, अब इसे हम अपनी सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। देखिए आप फोर्क की सहायता से इसको उसमें डाल सकते हैं, और हाथ बचाकर आप सीधा हाथ से ना उठाएं, आपका हाथ जल सकता है। जो हमने एक कटोरी सूजी ली थी उससे हमारे 26 से 27 अप्पे बने हैं। इसको मैंने लाल चटनी के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। बाहर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है, तो आप भी इसे बनाइए, और कैसा बना है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको ठीक टाइम पर मिलें। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।